अब आपके लिए जरूरी खबर जो कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जिसका सामना आपसे कई बार 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 होता होगा। अगर आप बोतल बंद पानी पीते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आमतौर पर आप सभी बोतल बंद पानी कभी ना कभी पिया होगा आपने, और रीयूजेबल पानी की बोतल पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बोतल में हो सकते हैं टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया, ये हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। बोतल में टॉयलेट सीट की तुलना में 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया है, इस रिसर्च में पाया गया है। पानी की बोतल पर अमेरिका में हुआ रिसर्च, बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक दवाओं का असर इसमें हो सकता है, और मतलब एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी खत्म हो सकता है, ये रिसर्च में बोला गया है। कई गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है इन बोतल बंद पानी के जरिए। तो रीयूजेबल बॉटल्स, जिसका इस्तेमाल कभी ना कभी आपने किया जरूर होगा, और अब आइए आपको बिग वॉल के जरिए रीयूजेबल पानी की बॉटल पर जो रिसर्च सामने आया है उसके बिग पॉइंट्स क्या हैं, जल्दी से इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए, बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं। पानी बोतल बीमारी का घर, क्या ये बीमारी का घर है? क्योंकि रिसर्च में तो यही इशारा किया गया है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने किया रीयूजेबल बोतल पर रिसर्च, जिसमें बोतल के सारे पार्ट्स का 3-3 बार टेस्ट किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें, टॉयलेट सीट की तुलना में करीब 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया, 40 times ज्यादा, किचन सिंक से भी 2 गुना ज्यादा बैक्टीरिया बॉटल्स में होता है, जो ये जो बंद बोतलें होती हैं। बॉटल में कंप्यूटर माउस से 4 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होता है, ये भी बात रिसर्च में कही गई है। पालतू जानवर के पानी पीने के कटोरे से 14 times ज्यादा बैक्टीरिया इनमें होता है। बॉटल पर दो तरह के बैक्टीरिया की मौजूदगी होती है, जैसा कि रिसर्च में पाया गया है। और ये भी बात रिसर्च में सामने आई कि बॉटल में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये दो तरह के बैक्टीरिया का जिक्र किया गया है रिसर्च में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कई तरह के इन्फेक्शन पैदा करते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन इससे हो सकते हैं, और बैसिलस बैक्टीरिया पेट में इन्फेक्शन करता है, ये स्टमक इन्फेक्शन करता है, जो कि बात सामने आई है। तो इस रिसर्च में बहुत चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, और ये खुलासा बहुत डराने वाला भी है, क्योंकि जो बोतल बंद पानी है, कभी ना कभी हम सब ने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं, और इससे संभल कर रही है। अब विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है, ये भी आपको बताते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या मानते हैं, क्या बोतल बंद का जो ये पानी होता है वो नुकसानदायक होता है, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, सुनिए जरा। बैक्टीरिया से भरा पड़ा है, और जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई लाइक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, नॉट 1 से 2, 2 से 3, 4, ऐसे नहीं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे बढ़ते हैं, और एक घंटों में इसमें तादाद लाखों में चली जाती है बैक्टीरिया की। तो यानी कि इतना बैक्टीरिया होता है, एक स्टडीज़ में आए ऐसा हमने पाया है कि जब भी पानी, इवन ये बॉटल जो मिलती हैं, जिसको हम मानते हैं कि ये पानी पी लिया, तो अच्छी अच्छी कंपनियों की भी उसमें भी कंटामिनेटेड वाटर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि लोग बॉटल जो लेके उसी बॉटल को भरते हैं, आम पानी जैसे गाय भैंसे पानी पी रहे हैं, उसी का पानी भर के जबर से बॉटल बंद करी और बेचने चले गए, स्पेशली रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, गर्मियों में लोग झट से पीते और पी लेते हैं। और यही नहीं, आप शादियों में कभी, सबका रिकॉर्ड है कि लोग शादियों से जब आते हैं, ऑलमोस्ट 25-30% लोग ऐसे होते हैं जो फूड पॉइजनिंग से मुब्तला होते हैं। तो जैसा कि आपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी, उन्होंने कहा कि तरह तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं रीयूजेबल बॉटल से बार बार पीने से, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आइए अब ये आपको बताते हैं। प्लास्टिक या स्टील के ये बोतल हमारे लिए कितने खतरनाक हैं, और कैसे इन बोतलों में बैक्टीरिया फैलते हैं, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी बात समझाते हैं कि आखिर कितना खतरनाक है ये रीयूजेबल बॉटल, आपको बता रहे हैं। बोतल से शरीर में बैक्टीरिया की एंट्री हो जाती है। एंटीबायोटिक्स अगर आपको डॉक्टर्स देते हैं, तो एंटीबायोटिक्स दवाओं का असर भी खत्म हो जाता है, पेट में गड़बड़ी रहती है, एसिडिटी, डायरिया का खतरा रहता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, समय से पहले हो सकते हैं हार्मोन्स के बदलाव भी, तो ये गंभीर परिणाम होते हैं बोतल बंद पानी पीने से। अब रीयूजेबल बॉटल पर हुए चौंकाने वाले रिसर्च पर हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट से इस मामले पर बातचीत की है, आप भी देखिए उनका क्या कहना है।
रिपोर्ट आया है कि अगर आप बार बार पानी के बॉटल में पानी पीते हैं तो उसमें टॉयलेट सीट के मुकाबले 40,000 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया हो सकता है। आप इसे थोड़ा डेमो करके समझाएं। जरूर, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट। देखा गया है कि जो हम जो बॉटल है जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं उसको बार बार यूज़ करते हैं, ये जानते हुए कि ये एक डिस्पोजेबल और सिंगल यूज़ बॉटल है। ख़ास तौर से देखा गया है कि जब हमारे इंडिया में स्पेशली देखा गया कि एक बॉटल को बार बार यूज़ किया जाता है और उसको कभी क्लीन नहीं किया जाता। और जब देखा इस रिपोर्ट में ये बेसिकली बताया है कि वही मैं बारीकी से समझना चाहता हूँ कि जैसे ये एक बॉटल है मैम, इसमें एक बार हमने पानी पी लिया लेकिन बार बार अमूमन हम उसमें पानी भरते जाते हैं, टैप वाटर भरते जाते हैं, तो कैसे मैम इसमें ये डेवलप हो जाता है? इसमें क्या होता है कि जब हम भी कोई भी बंदा पानी पहले पीता है तो फिर वो उसको मुंह लगाता है, मुंह लगाता है तो ये भी जो खासतौर जो स्क्रू वाली बॉटल्स होती हैं जिसमें हम मुँह सीधे लगाते हैं उनके यहाँ पर जो क्रेविसेस होती है उनमें हमारे मुँह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट को आपने सुना कि इससे क्या परिणाम होते हैं बॉटल बंद पानी पीने से। अब आपको बताते हैं कि आखिर रीयूजेबल बॉटल में कैसे फैलता है इन्फेक्शन। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इन्फेक्शन का खतरा कैसे है। झूठे हाथों से बॉटल को छूने से ये इन्फेक्शन फैलता है, फिर मुँह लगाकर बॉटल से पानी पीने से इन्फेक्शन फैलता है, खांसी जुकाम के वक्त दूषित हाथों से बोतल छूने से बोतल में ज़्यादा दिनों तक पानी भरा होने की वजह से भी और गंदे हाथों से बोतल पकड़ने से भी। तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है इससे, इसलिए सावधान रहिए। और ये जो रिसर्च है वो ज़रूर हैरान करती है।